से ये टिक नहीं रहा, तो इस पे कढ़ाई की जाए। फिर अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो ये ऊपर जा रही थी मैं प्लांट्स को पानी देने, ये मेरे भाभी के प्लांट्स हैं, ये अभी ले जाएंगी। ये कुछ ये रखे हुए हैं और अभी इनको मैंने पानी दे दिया, अभी चलते हैं ऊपर। इनको भी मेरे पौधों को पानी दे दिया, अभी बस चलते हैं ऊपर और फिर इनकी करते हैं कटिंग। कटिंग जिसकी मुझे करनी है तो वो ये है, अभी इसकी करूँगी मैं कटिंग। पहले भी मैंने ऐसे ही लगाया लेकिन अभी थोड़ा सा मुझसे गलत निकल गया, अभी बस ये दो तीन निकाल के मैंने कभी की नहीं है, जो मुझे पता है वही मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने कभी ये प्लांट्स वगैरह ये रखे नहीं है, मैंने सिर्फ एलोवेरा रखी है, लेकिन ये जो है जड़ प्लांट बोलते हैं इसे आई थिंक, तो इसको ही मैंने रखा है। मिट्टी भी कम है तो इस वजह से ये टिक नहीं रहा, लेकिन हमें इसको टिकाना है। टिक जा भाई, बस मिट्टी थोड़ी है तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ की है और बस इसको देते हैं पानी। इंशाल्लाह इसका कलर भी हो जाएगा कंप्लीट और फिर बाकी की तैयारियां बाद में ही करेंगे। यहाँ पे जो कलर कर रहे थे उनका बेटा और मेरा बेटा दोनों लगे हुए थे ये सफाई करने में नीचे फर्श की, तो बस अभी ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। ये पूरा तो बना हुआ ही है और बस हमने थोड़ी सी इसको फिनिशिंग दी है, क्योंकि ये मेरा बेटा है जिसने पूरा यहाँ पे पूरा कलर कर दिया था पेंसिल ये वो, तो इसलिए बस हमने सिर्फ इसको यूँ समझे के अपडेट किया है बस, और कुछ भी नहीं। बस आज नहीं जाना है बेटे को लेने, क्योंकि आज मुझे आ जाएगी मासी, कपड़े मैंने निकाल दिए तो वो आज धोएगी, इस वजह से आज मुझे नहीं जाना है। बस अभी बनाते हैं नाश्ता और नाश्ते के बाद फिर मिलते हैं। कितने भी शीशे गिलास रखे हों लेकिन मैं तो स्टील के गिलास में ही पानी पीना पसंद भी करती हूँ और बेटे को भी पिलाती हूँ, तो कोशिश करें आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही चीज़ें दें, मतलब स्टील की चीज़ें हो, ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ ना करें, तो स्टील की हर चीज़ें हों। जैसे मैं अक्सर मेरी कोशिश होती है मैं हंडी में ही बनाऊँ हर चीज़, और जैसे मिट्टी के बर्तन हैं ऐसी में पहले वाली तो चीज़ें बातें आम हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो अपनी कर सकते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी अपने लिए भी। इसको भी दूँगी रोटी का कपड़ा मैंने निकाला है, इस तरह के प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं ना, अगर ऐसा सूट हो इस पर कढ़ाई की जाए तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे पानी पीते मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही पानी पीना, बैठ के स्पून से पानी पिए। और इसका दूसरा इसका बेबी भी है आपको दिखा के, इसकी बहन ये वाली, दोनों कितने खूबसूरत है ना। अभी तो ये इतने पतले से आते हैं लेकिन ये पहले जो थे हमारे पास शादी से पहले वो भी मैं एक लाई थी अम्मी का चोरी करके, तो वो भी मेरे पास है रखा हुआ, वो भी मैं आपको किसी दिन वीडियो में दिखाऊँगी। वो भी असल में सामान इधर उधर हुआ तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा, जैसे ये इसका वो बहुत मतलब मोटा है ना, अभी ये जैसे ना ये इतना हैवी नहीं है,
लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो स्टील के बर्तन। जो सिलाई करती हैं उनको तो ज़्यादा आसानी होती होगी, मैं तो अक्सर यही करती हूँ, कोई भी पीस बनते हैं उनको काट के उनको पीसेस जोड़ के और फिर वो रोटी का कपड़ा बन ही जाता है वो, और अच्छे खासे बन जाते हैं ऐसे तो कपड़े अगर लेडीज इस तरह करती है तो मैं अच्छी बात है। अयान क्या कर रहे हो? कपड़े चेंज करो, इस तरह नहीं करते, कपड़े चेंज करो फिर काम करना। क्या कर रहे हो? इसके काम चेक करें, बस कोई पहन लो सर, ठंड है ये देखें, इसके लिए ये वाली ठंड है। रेडी, अब इन सबको रखूंगी, ये बहुत काम आते हैं ना, टिफिन बहुत अच्छी इसकी लगी थी, मेरे रेंट पर लगी थी, ये गुड़ के लिए निकाला है तो इसमें मैं रखूंगी गुड़, ताकि ये रखते हैं समेटते हैं, इस बर्तन धो फिर रखो, ये बड़ी मुझे मुसीबत लगती है, ये नाइफ कितनी अच्छी है, ज़बरदस्त, और इससे कटिंग भी बहुत अच्छी होती है। लहसुन अदरक हरी मिर्च और जीरा इन सबको कूट के फिर डालेंगे। ऐसे ये हो गया, इसको कर देंगे साइड पे, मटर भी छिल गए और चाय भी बन गई है मेरे शॉपर। अगर आप चाहते हैं कि नीट क्लीन रहे किचन हर वक्त तो बस जो कचरा हो वो पहले ही उठा के और डस्टबिन में फेंक दें। मैं तो यही करती हूँ, जब भी मैं बर्तन भी धोती हूँ पहले पूरा कचरा निकाल के और ऊपर में डालती हूँ, वरना फिर वो अक्सर गटर बंद हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जालियाँ बहुत काम आती हैं, तो ये मुझे तो ये दिया हमारा पेरिस के कप्स, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो हैं तो मेरी भाभी के, लेकिन अभी मेरे पास पड़े हैं। बस मुग मटर पुलाव भी रेडी होने वाला है और अभी शाम हो गई है और मैं खाना भी जल्दी बनाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी जल्दी खाना खाता है और हस्बैंड वाले भी जल्दी आ जाते हैं, तो इसी वजह से मैं जल्दी फटाफट हर चीज़ कर देती हूँ टाइम से। राइस भी बन के रेडी हो चुके हैं। अच्छा जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।